हेलो फ्रेंड्स, आई एम अपराजिता एंड वेलकम टू माय चैनल अपराजिता स्पाइसी ग्रिल। आज हम बनाएंगे स्वीट पोटैटो कबाब्स, यानी कि शकरकंद के कबाब। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना ज़रूरी है ताकि आगे मैं कोई भी रेसिपी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आपसे मेरी कोई भी रेसिपी मिस ना हो, आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो, इसलिए आप इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए मिलकर बनाते हैं शकरकंद के कबाब। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 3 बड़े साइज के शकरकंद, जिसको बॉईल करके और छिलका उतार लेंगे इसका। 1/3 कप मैदा, 1/4 कप चावल का आटा यानी राइस फ्लोर, 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 1 टेबलस्पून ऑरिगेनो, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1 टेबलस्पून मिक्स्ड हर्ब्स। सबसे पहले एक बाउल में सारे स्वीट पोटैटोज को हम मैशर के हेल्प से या फिर एक कद्दूकस के हेल्प से अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से ये मैश हो गया है और अब हम इसमें एक एक करके सारे जो इंग्रेडिएंट्स हमारे बचे हैं वो डाल देंगे। मैदा डालेंगे, राइस फ्लोर, रेड चिली फ्लेक्स, काली मिर्च पाउडर, ऑरिगेनो, हर्ब्स और नमक। अब एक स्पैचुला के हेल्प से या फिर हाथ से आप इसको पूरा अच्छे से कंबाइन कर लीजिए मिक्स करके। एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाना चाहिए। ये देखिए बहुत अच्छा हमारा एकदम यूनिफॉर्म स्मूथ मिक्सचर बन गया है और अब हम इसके कबाब बनाएंगे। सबसे पहले एक नॉनस्टिक पैन लेंगे और उसमें 1 छोटी चम्मच के हिसाब से ऑलिव ऑयल डालेंगे। अब हम थोड़ा सा मिक्सचर अपने हाथों में लेंगे और इसको दबा दबा के एक कबाब का शेप दे देंगे और तेल जैसे ही गर्म होने लगेगा हम इसमें एक एक कबाब को धीरे धीरे डाल देंगे। देखिए बहुत ज्यादा ओवरक्राउडेड मत करिएगा पैन को, एट अ टाइम आप 4 या 3 ही कबाब फ्राई करिए ताकि सारे कबाब ठीक से यूनिफॉर्मली फ्राई हो जाएं। फ्लेम हमें बिल्कुल मीडियम रखना है और अब हम इसे चारों तरफ से पलट पलट के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे कबाब ब्राउन हो गए हैं सब तरफ से और अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। कबाब हमारे बिल्कुल तैयार हैं और अब हम इसको सर्व कर लेंगे। तो देखा आपने कितना टेस्टी ये कबाब बना है, एक अलग तरह की कबाब रेसिपी है। शकरकंद के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, ये आपके डाइजेशन में हेल्प करता है, विजन एनहांस करता है, ब्रेन फंक्शंस को एनहांस करता है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके ज़रूर इसे बनाइएगा और आपको और आपके घर में खास करके आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा। मुझे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपका कोई डाउट है या आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे नीचे लिखकर बता सकते हैं। ऑल सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। जल्दी मिलेंगे एक और मज़ेदार न्यूट्रिशन रिच झटपट ईजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग, कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ। बाय।